Hello and welcome back guys, Desi Muscle Podcast Season 2. I know, it's good to hear that. काफ़ी टाइम हुआ सीज़न 1 को स्टार्ट होके. मैं ये अपडेट वीडियो बनाना चाह रहा था आप लोगों के लिए टू सी यू नो. बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे लोग डीएम करते थे कि आप कहाँ हो, नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आ रहा है. हम थोड़ा टुवर्ड्स एंड ऑफ सीज़न 1 इनकन्सिस्टेंट हो गए. ये तो अभी तक 2 साल की जर्नी रही है फ्रॉम बिटवीन यू नो कोविड टू टिल नाउ, कि हमने ये कम्युनिटी बनाई, हमने कॉन्वर्जेशन्स कुछ ऐसी रखी जहाँ पर हमें खुद लगा कि हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. और आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें कि ऐसा लगा कि ये जर्नी आगे जानी चाहिए. ये जर्नी वो जर्नी थी जिससे मुझे और इवन भैया को, जिनको उस चीज़ को पता है कि मी एंड माय ब्रदर हमने ये चालू किया है, ये एंडवर चालू किया. तो इस चीज़ ने हमें एक पर्पस दी यू नो, कि हम हर हफ्ते यू नो या महीने में कुछ दिन निकालें साइड में कुछ अच्छे कॉन्वर्जेशन रखने के लिए लोगों के सामने, ताकि हमारा जो मोटो था देसी मसल का और जो है भी विच इज़ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस देसी कंट्रीज़ में, हमारी देसी कंट्रीज़ में इज़ नॉट जस्ट अ मीट हेड स्पोर्ट. इसमें सिर्फ डम लोग नहीं है, देर आर पीपल हु हैव ब्रेन्स, देर आर लेयर्स टू दिस. तो वो चीज़ हम दिखाना चाह रहे थे और हमने जिन लोगों को पॉडकास्ट पे लाया इन कॉन्वर्जेशंस को करने के लिए, उनके ज़रिए हमें ये लगा कि नहीं, हमने वो यू नो हमने वो चीज़ फुलफ़िल की है जो हम दिखाना चाह रहे थे. और सीधी सी बात है, आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया, हमें ये भी लगा कि ऑडियंस जो हमारा एम था कि ऑडियंस वैसी क्रिएट करें फिटनेस लवर्स में कि वो साइंस की तरफ जाए, वो एजुकेशन की तरफ जाए, वो चीज़ों के लिए रीज़न करे. दे डोंट टेक शॉर्टकट्स, दे अंडरस्टैंड बेटर. तो उस चीज़ में हमें लगा कि हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे. बट फिर भी हम थे कहाँ पे, या हम है कहाँ पे, या हमारा फ्यूचर क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं अभी. जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, हमारा टाइम, हमारा वक्त, स्पेशली मेरा वक्त पिछले 1 साल में, 1 डेढ़ साल में एक स्टार्टअप में गया है. या हम लोगों ने एक स्टार्टअप लॉन्च की बिकॉज हम चाह रहे थे कि हम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको कुछ ऐसा दें, कुछ ऐसी फिजिकल चीज़ दें जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो, देश को फ़ायदा हो, देसी कंट्रीज़ को फ़ायदा हो, हमारे नाम को फ़ायदा हो. और इसमें वी ऑल्सो हैव अ बैलेंस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सम काइंड ऑफ एजुकेशनल सर्विस जो आपको हम दे रहे हैं. तो वहाँ से हमने सोचा कि वाई नॉट डू समथिंग दैट वी बेस्ट नो. हमारी जो कल्चर है, एज यू गाइज नो, हम कश्मीर के हैं, तो वी वॉन्टेड टू गिव यू द बेस्ट ऑफ कश्मीरी ऑर्गेनिक हेल्थ फूड्स. The name of the company, the startup, TYTY Sciences Private Limited. We have saffron, one of the best herbs जो आपकी cortisol level को manage करता है. आप अपनी चाय में, अपनी drinks में डाल सकते हैं. इसके अलावा हमारी next product range है honey. So that's TYTY Sciences Acacia honey. एक फूल की शहद है, पहाड़ की चोटी पे मिलती है. It is the mildest flower honey you can ever have in the market, at least as of now. कश्मीर से इसके आप 2 चम्मच लेंगे, 3 चम्मच लेंगे, आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ मीठा खाया. एंड ऑल दीज हनीज आर रॉ एंड ऑर्गेनिक. हम सिर्फ एक बॉन्ड है लोकल ग्रोअर्स और आपके बीच में जो कनेक्ट करते हैं, और कोई मिडिल मैन नहीं है हमारे इस स्टार्टअप में, इसलिए इसको बहुत वक्त लगा. एंड आपका और मेरा फेवरेट आजकल तो ट्रेंड है, बट आई डोंट थिंक आपने कश्मीर के साइड से या कश्मीरन हिमालयन रेंजेस के साइड से, लद्दाख से सोर्स्ड शिलाजीत खाई होगी. बट या, दैट्स TYTY Sciences शिलाजीत. यू कैन हैव अ लुक एट दिस. You can definitely feel a lot of benefits. इसकी जो purification process है, it's very local. और जो भी हमारे हनीज़ हैं वो raw हैं, हमारे products हैं वो raw हैं, lab tested हैं. We get these lab tested here in Maharashtra. You know, हमारी company यहाँ की registered है, so that we give you the most authentic reports and science backed products. हम अपने products pharmacies में भी भेजते हैं. हमारे products, जैसे कि मैंने कहा, doctors patients के लिए prescribe करते हैं, of all age groups, of different kinds of health. तो definitely it's something that you guys can try, you guys can get your hands on. आप लोग इसको try कर सकते हैं. And we assure you, we take guarantees that no other company would take, no other startup would take, क्योंकि we have faith in our product and this is between our friends and families from our own culture. यहाँ पे एक बात important है जो हमने इस startup के लिए plan किया था, वो ये है कि this will be a restock based startup. हमारी जो मतलब ऑनगोइंग फंक्शनैलिटी है, हम साल भर एक प्रोडक्ट शायद ही बेच पाएंगे बिकॉज ये चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और इनको कल्टिवेट और हार्वेस्ट करने के मेथड्स भी ऑर्गेनिक हैं. तो इनको प्रोक्योर करने में, नॉट सैफ्रॉन बट दी अदर प्रोडक्ट्स, इनको प्रोक्योर करने में वक्त लग सकता है और ये साल भर नहीं चलते. सो मेक श्योर जब आपके पास टाइम है टू चेक देम आउट एंड बाय देम व्हेन यू कैन एंड यूज़ देम एज यू कैन व्हेन एवर रीस्टॉक्स होते रहेंगे. ऑब्वियसली हम हमारे पेज पे भी देसी मसल पे इसके अपडेट्स डालेंगे और TYTY Sciences का अपना पेज है जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में फॉलो कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं. यू कैन लर्न मोर अबाउट द प्रोडक्ट्स. वहाँ पे जो सेकेंडरी लैब रिपोर्ट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं हर प्रोडक्ट के. हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं ऑन ईच प्रोडक्ट टू सी हाउ यू कैन यूज़ देम. उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या अलग है, क्या नया है. जैसे वी हैव अ वैरायटी ऑफ हनी विच इज़ वाइल्ड फॉरेस्ट हनी. विनी द पू तो देखा होगा आपने, भालू वाली जो शहद कहते हैं ना, या इट्स जोकिंग बट या पाइन फॉरेस्ट से जो शहद आती है, दिस आर फॉरेस्ट हनीज फ्रॉम कश्मीर. हर बॉटल के साथ हमने ये किया है कि हर बॉटल के साथ हम बाहर एक लैब टेस्ट देंगे ऑफ व्हाट द कंटेंट्स आर इनसाइड द बॉटल. यू नो वी हैव एक्सपायरीज ऑन ईच बॉटल, आपको क्लियरली लिख के दिखेंगे. एंड इन एडिशन टू दैट यू हैव कॉन्टेंट ऑन ईच प्रोडक्ट ऑन आवर वेबसाइट, तो वो आप जाके देख सकते हैं. सो या, देसी मसल यहाँ था पिछले कुछ 1 साल 6 महीने से. तो ये प्रोजेक्ट है जो हम काम कर रहे थे, क्वाइट लिटरली इट्स आवर बेबी फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ इयर्स ऑफ प्लानिंग एंड नाउ इट्स अवेलेबल फॉर यू टू ट्राई, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हैं। कमिंग बैक टू सीज़न 2, सीज़न 2 का हमारा क्या प्लान है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, बिकॉज सीज़न 1 में हम स्ट्रिक्टली बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के अंदर थे। हालांकि जो एंड का जो लास्ट पॉडकास्ट है, अगर आपने देखा सीज़न 1 का जयेश मिस्त्री के साथ, इट वॉज स्टार्टिंग टू ब्रांच आउट इन टू आर आइडिया ऑफ देसी मसल। तो हम मसल में जो हमारी आइडिया है, इट्स नॉट जस्ट फिटनेस ऑफ द बॉडी, इट्स अबाउट फिटनेस ऑफ मेनी अदर थिंग्स, इट्स अबाउट फिटनेस ऑफ द माइंड, फाइनेंशियल फिटनेस, एक यूथ को कैसे शेप होना चाहिए, इस पे हम फोकस करना चाह रहे थे। सो ऑन सीज़न 2 हमारा फोकस अभी जाएगा, ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज विल बी कोर बॉडी बिल्डिंग फिटनेस, हम वो फैंस को नहीं छोड़ेंगे, बट वी वांट टू गो इनटू डॉक्टर्स, वी वांट टू गो इनटू स्पोर्ट्स, वी वांट टू गो स्टार्ट ब्रांचिंग आउट, बिजनेस ओनर्स, सप्लीमेंट ब्रांड ओनर्स, equipment brand owners, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। We want to educate people on, you know, how to make a career, how to approach thinking about passions और उनको एक career में कैसे convert करें। तो ऐसे topics पे हम deep dive करना चाह रहे हैं। And also हमारी WhatsApp community है जो हमने बनाई है, Telegram community है, वो भी descriptions में linked है, आप वहाँ आके हिस्सा बन सकते हैं हमारी journeys का और आप अपने राय share कर सकते हैं। हमारे पास coaches, athletes, बहुत सारे लोग हैं इन communities में, so you can click it in the link in the description and you can join the group. बट या कुछ गाइडलाइंस है वो बस फॉलो कीजिए ग्रुप के, नथिंग एल्स, द रेस्ट यू एन्जॉय। हम बहुत थैंकफुल है कि वी हैव यू गाइज एज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑन देसी मसल। सो या मैं अभी सीज़न 2 का पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके निकला हूँ, इट्स वन ऑफ आर ओ जी गेस्ट। तो हम सीज़न 1 के जो गेस्ट हैं वो डेफिनेटली सीज़न 2 में रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनसे इतना 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 इन्फॉर्मेशन हासिल किया और उनके ज़रिए से हमें इतना प्यार दिया एंड उनको इतना प्यार फील हुआ। सो वी डेफिनेटली गोइंग टू रिपीट दैट। गेस कीजिए कमेंट्स में कौन पहला गेस्ट है, यू नो दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट सीज़न 2। सो या ये अपडेट वीडियो था। नाउ यू नो अबाउट TYTY साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक अच्छी एंडवर है हमारी साइड से ताकि आपको अच्छे हेल्थ फूड्स प्रोवाइड करें। रिमेंबर, स्टॉक कभी भी खत्म हो सकता है बिकॉज हमारा मॉडल रीस्टॉक मॉडल है, वी जस्ट गेट इट फ्रॉम स्मॉल लोकल ग्रोअर्स, तो आपको ऑथेंटिक और रॉ फूड मिले। या बाय इट व्हेन यू कैन। अदर देन दैट स्टे ट्यून्ड फॉर सीज़न 2। टाटा, बाय बाय, शब बखैर।